एक्सपीरियंस बहुत सुंदर था और मैंने वहाँ स्टेज पे भी शायद बोला है कि मई 1995 से ये शो मैं देखती आ रही हूँ, तो मैं एक फ़ैन हूँ बल्कि इस शो की, तो इन लोगों ने यहाँ बुलाकर मेरे को इतना खुश कर दिया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं स्टेज पर आई, इतने प्यारे प्यारे कंटेस्टेंट से मिली, इतने सुंदर जजेस से मिली, इतने प्रतिभावान लोगों से मिली, तो इट वॉज इंटायरली माई प्लेजर ऑनेस्टली। ओके ऐसे बहुत सारे गाने हैं लेकिन मुझे ज़्यादातर सीरियस गाने ही पसंद है, तो वो यहाँ अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन गा देती हूँ। मैंने अंदर गाई थी तो मुझे सांस चढ़ रही थी, तो मैं वही गा दूँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। थैंक यू। एक्चुअली इशिता जिसको मैं सपोर्ट करने आई थी उसकी नानी आई हुई थी और वो कुंडली और कुमकुम की बहुत बड़ी फ़ैन थी, और इशिता ने गाना गाया था डोला रे डोला, और इस पर हमारा नाच करना बनता था, तो हम एक पारो और एक चंद्रमुखी बन गए, और फिर हमने वाजिद जी को और शेखर जी को और अपना क्या कहते हैं ऋचा जी को बुला लिया, और साथ में हम सब ने आदित्य के साथ और इशिता उसकी नानी हम सब ने मिक्सड एक गाना करा, रैप मिक्स टाइप डोला रे डोला, सो इट वॉज फन, अच्छा था, मजा आया। मैं संडे तो वैसे शूट करती ही नहीं, तो वो तो हो गया पक्का, और सैटरडे को मैं आउट टाइम ले लेती हूँ क्योंकि मैं रिपीट नहीं देख पाती क्योंकि मिक्स हो जाता है, और कई बार जब बहुत ज़रूरी होती है शूटिंग सैटरडे, संडे तो मैं देखती ही हूँ क्योंकि संडे को मैं शूट नहीं करती, तो सैटरडे वाला जब मिस हो जाता है तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है, पर कई बार ओके। Thank you so much. Thank you so much.